हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रेमचंद आज आपके लिए रेलवे से संबंधित बहुत बड़ी एक जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, इस जानकारी में आज हम रेलवे के बारे में, जो आने वाली दुर्गा पूजा है, इस पर कुछ एग्ज़ाम सेंटरों पर एग्ज़ाम सेंटर क्लोज रहेंगे, उनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको आप रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है उस पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा गूगल के ऊपर। मैंने आज ट्राई किया है तो जैसे मैंने इंडियन रेलवे बोर्ड, जैसे INDIN, इंडियन रेलवे रेलवे बोर्ड मैंने आपके सामने ट्राइव किया है, और जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ इसके ऑफिशियल साइट पर जैसे आते हैं, यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है रेलवे की तरफ से। या न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड में मैं आता हूँ तो यहाँ पर आया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड की साइट को आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे सारे बोर्ड यहाँ दे रखे हैं, आप किसी बोर्ड को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने कोलकाता को ओपन किया है। कोलकाता जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोलकाता में किस किस जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर क्लोज रहेंगे। तो देखो दोस्तों, इस कोलकाता जो बोर्ड मैंने ओपन किया, इस बोर्ड में आपके सामने पहला ऑप्शन, पहला नोटिस जो आ रहा है, नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्ज़ाम ड्यू टू क्लोजर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर ऑन अकाउंट ऑफ पूजा हॉलीडेज। पूजा हॉलीडेज के कारण कुछ जो एग्ज़ाम सेंटर है वो क्लोज रहेंगे, एक नोटिस आपके सामने ये आ रहा है। सेकंड नोटिस जो आ रहा है, नोटिस ऑन रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्ज़ाम एट भुवनेश्वर ड्यू टू फॉरकास्ट ऑफ सर्वर साइक्लोनिक स्टॉर्म तितली। दोस्तों, अभी एक जो चक्रवात आया हुआ है तितली, इसके कारण साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ है, इसके कारण 11 और 12 अक्टूबर के दिन कुछ एग्ज़ाम सेंटर क्लोज हैं, उनका भी आपको रीशेड्यूलिंग बता दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका नोटिस बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। जैसे मैं आपके सामने इसका नोटिस ओपन करता हूँ, जैसे आपने क्लिक किया और ओपन नोटिस होता है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है। इसमें दिया गया है कि एग्ज़ाम जो दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर CN02/2018 लेवल फर्स्ट एज पर 7th CPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया है। नोटिस उनको दिया गया है, नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ड्यू टू क्लोजर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स ऑन अकाउंट ऑफ पूजा हॉलीडे। पूजा हॉलीडे के कारण कुछ एग्ज़ाम सेंटर क्लोज रहेंगे। हम बात करेंगे कोलकाता RRB के लिए, तो ऑन अकाउंट ऑफ पूजा हॉलीडेज 2 एग्ज़ाम सेंटर ऑफ कोलकाता एंड 1 एग्ज़ाम सेंटर ऑफ हुगली। दोस्तों, कोलकाता के अंदर 2 एग्ज़ाम सेंटर क्लोज रहेंगे और हुगली के अंदर 1 एग्ज़ाम सेंटर क्लोज रहेगा। तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर किस दिन क्लोज रहेंगे, 23/10/18 एंड 1 एग्ज़ाम सेंटर बांकुरा विल बी रिवन क्लोज 23/10/18 टू 26/10/18 के दिन ये क्लोज रहेंगे। अतः एग्ज़ाम सेंटर 23/10/18 से 26/10/18 के मध्य में क्लोज रहेंगे, और सम कैंडिडेट हु वर ऑलरेडी शेड्यूल फॉर एग्ज़ाम इन दोज सेंटर्स ऑन द एबोव मेंशन डेट विल नाउ बी रीशेड्यूल फॉर द CBT एग्ज़ाम। दोस्तों, जिन लोगों को एग्ज़ाम के बारे में ये नोटिस दिया गया था, उनकी एग्ज़ाम थी, उन लोगों को दोबारा से कैंसिलेशन मैसेज दे दिया गया है रेलवे की बोर्ड से, और ईमेल भी दे दिया गया है उनके एग्ज़ाम कैंसिल के लिए। अगर फिर भी अगर उनके पास एग्ज़ाम नहीं आया है तो आप अपनी ऑफिशियल साइट पर जाके आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ या नहीं हुआ है, इसके बाद ही अपनी आगे की आप प्रक्रिया जारी रखें। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम अभी क्लोज, ये एग्ज़ाम जो अभी कैंसिल हुआ है, इस एग्ज़ाम का आपको जल्दी ही रीशेड्यूल रेलवे की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। 26/10/2018 के बाद में आपको जल्द ही रीशेड्यूल SMS के द्वारा आपको दे दिया जाएगा, और आपके ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल है उस पर आपको जल्दी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और अपने मोबाइल को आप देखते रहें ताकि आपको कभी भी रेलवे की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर आपका आया हुआ है तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके किसी फ्रेंड किसी दोस्त का आया हुआ है तो आप उसको तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो इस परेशानी से बिल्कुल बच सकें। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और इस प्रकार की मैं आपके लिए नई नई लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ। तो इसके लिए आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपको अगली जानकारी तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। जब तक आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।